अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, हमारी दुआ खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन चैनल, तो मैं हूं हसन, मैं हूं मई। तो आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल तो हिंदी में, लेकिन शुरू में लिखा है पीएम मोदी, तो ये मोदी जी के बारे में है। तो एक बार देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तानी सरकार के दिलो दिमाग में जो भी चलता रहता हो वो अलग बात है, लेकिन वहाँ की एक बहन ऐसी भी है जिसे विश्वास है कि 2024 में फिर से मोदी पीएम बनेंगे। वैसे तो पाकिस्तान का जिक्र आते ही ये कहा जाने लगता है कि पाकिस्तानी नहीं चाहते कि पीएम मोदी 2024 में फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। वजह साफ है कि मोदी के पीएम बनने के बाद से पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम लगी है, लेकिन मोदी की एक पाकिस्तानी मुंह बोली बहन को भरोसा है कि वो ही फिर से पीएम बनेंगे। दरअसल रक्षा बंधन भाई बहनों के बीच प्यार के बंधन का प्रतीक है और इस बार ये 11 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षा बंधन हिंदू वर्ष के सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन का महीना हिंदुओं के बीच एक शुभ काल माना जाता है और इस पूरे समय में हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है। और इस पावन पर्व से पहले पीएम मोदी के लिए सरहद पार से स्पेशल राखी आई है। पीएम मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख ने हर साल की तरह इस साल भी पीएम मोदी के लिए राखी भेजी है, लेकिन इस साल उन्होंने जो शुभकामनाएं दी हैं वो देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है कि भले ही वो पाकिस्तानी हो, लेकिन इस तरह की शुभकामनाएं अगर वो दे रही हैं तो बेहद ही खास हैं। दरअसल मोहसिन शेख ने इस राखी के साथ एक चिट्ठी भी भेजी है जिसमें उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, मुझे उम्मीद है पीएम मोदी इस साल भी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुझे दिल्ली बुलाएंगे। मैंने सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस राखी को रेशमी धागे से कढ़ाई के डिजाइन के साथ मैंने खुद बनाया है। मोहसिन शेख ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। उन्होंने कहा कि मैंने एक पत्र लिखकर पीएम मोदी की अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। आप जिस प्रकार से अच्छे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहें। वो फिर से पीएम बनने के हकदार हैं। मैं चाहती हूं कि वो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। प्रधानमंत्री की बहन शेख ने उनको पिछले साल भी रक्षाबंधन पर राखी बांधी थी और एक रक्षाबंधन कार्ड भी दिया था। आपको बता दें कि मोहसिन शेख पिछले 20 से 25 सालों से भी ज्यादा वक्त से पीएम नरेंद्र मोदी को राखी बांध रही हैं। इस बारे में उन्होंने बताया कि मैं 1981 में अपने परिवार के साथ पहली बार अहमदाबाद आई थी, यहाँ मेरी शादी मोहसिन के साथ तय हो गई और इस तरह मैं हिंदुस्तानी हो गई। 1995 में मेरी मुलाकात गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर स्वरूप सिंह से हुई, वो मुझे अपनी बेटी मानते थे। इसी दौरान जब मैं पाकिस्तान जा रही थी तब खुद स्वरूप सिंह मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे, उनके साथ नरेंद्र मोदी भी थे। उस वक्त मोदी भाजपा के प्रदेश महामंत्री थे। मुझे विदा करते समय स्वरूप सिंह ने मोदी से कहा कि ये मेरी बेटी है, इसका हमेशा ख्याल रखना। इस पर मोदी ने कहा कि अगर ये आपकी बेटी है तो फिर मेरी बहन हुई। बस इसके बाद से ही मैंने रक्षाबंधन पर मोदी को राखी बांधनी शुरू कर दी। 1996 से ये क्रम लगातार बरकरार है। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, इसके बाद भी मुझे उनसे मिलने के लिए कभी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी और इस तरह से वो लगातार पीएम मोदी के लिए राखी भेजकर अपनी शुभकामनाएं भी भेजती हैं। और इस बार तो मोहसिन शेख ने पीएम मोदी के लिए खास दुआ की है कि 2024 में भी मोदी ही पीएम बने। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरह की उन्होंने उम्मीद की है कि पीएम मोदी उन्हें इस बार दिल्ली बुलाएंगे, वो उम्मीद उनकी पूरी हो जाए और वो खुद मिलकर पीएम मोदी को राखी बांधे। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। जी भाई, अच्छा इसमें जो है ये राखी बंधन जो है ये मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज्यादा जो है ना अच्छा एक उनका जो है त्यौहार है, अपने अपने त्यौहार होते हैं, उनका त्यौहार है बहना दो भाई को ये राखी बांधते हैं और अपनी बहनों बहनों का फसल करते हैं, जिंदा रहे खुशहाल रहे जो है वो दुआ की जाती है। ये बीबी जो है ना इसके ऊपर मैंने 2 साल पहले हो गया हमें वीडियो बनाते हुए, ये पाकिस्तानी औरत है और इसकी शादी हुई थी जिस तरह सानिया मिर्जा की शादी हुई जो पाकिस्तान आई है, या हसन अली की शादी हुई है वो भी पाकिस्तान लेके आए ऐसे ही, इस तरह ये औरत है। इसकी शादी इंडिया में हुई थी और भी पाकिस्तान से भी जाना था वो, क्योंकि शादी उधर उस लड़के के साथ हुई थी, तो उस दिन से ये उसने जिस तरह वीडियो में बताया था वो मोदी को अपना भाई मानती है और हर साल इसको राखी बांधती है। 1996 से मुसलसल जो है ये तो अच्छी बात है, इतना ज्यादा एतबार होना।
और इस ओहदे पर फाइल होकर एक आम से बंदे को उनके साथ भाई वो मैं कह रहा हूं हर साल याद रखो वो आम सी नहीं भाई वो आम सी औरत नहीं उसके लिए उसने उसको अपनी बहन की तरह मूर्ति ने समझा यार वो भाई वो ये कह रहे भाई वो ये कह रही थी कि इस ओहदे पर फाइल है कि जिया जिया और उस वक्त तो वो इस ओहदे पे नहीं था जब उसकी मुलाकात हुई थी वही बात जब से दोनों का बहन भाई का रिश्ता कायम हुआ लेकिन भाई ये कि ये मोहब्बत है देखो भाई को भाई मेरी बात सुने वो बता रही थी कि इतने बड़े ओहदे पे मुल्क कंट्री का वजीर आजम पीएम होने के बावजूद भी मुझे किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट या किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती उनके उनसे मिलने के लिए यार उनको पता है ना सभी को पता है कि ये औरत हर साल से मोदी साहब से बहन बोलते हैं ये राखी बांधती है तो वो खुद बुलाते हैं उसे बिल्कुल कभी उधर चले जाते हैं उसके यहाँ चले जाते हैं उसकी रहस है तो ज्यादातर वो मोदी के पास आ जाती है उसको बुलाते हैं तो आ जाते हैं तो राखी बांधते हैं एक बहुत अच्छा रिश्ता बना है बहन भाई का तो इस तरह ये भाई इससे साबित होता है कि मुसलमान जो है ना हिंदू मुस्लिम से निकलना पड़ेगा ये हिंदू ये मुस्लिम ये सिख ये ईसाई सबको ये बातों को दिल से निकालना होगा जिस तरह इस औरत ने साबित किया और मोदी साहब ने साबित किया है ये प्यार और मोहब्बत है इसके अंदर वो पाकिस्तानी है इंडियन है इसने नहीं देखा कि वो हिंदू है मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूँ इसने कोई भी सोचा नहीं बस वो दिल की लगन है उसने अपने दिल से उसको अपना भाई माना है और उसने भी मोदी साहब ने भी उसको दिल से अपनी बहन माना है तो ये मोहब्बत होती है ऐसी अगर मोहब्बत होगी ऐसी मोहब्बतें होंगी तो तब तो भाई कोई लड़ाई कोई झगड़ा कोई मसला नहीं होगा अमन सुकून होगा भाईचारा बढ़ेगा और भाईचारा बढ़ेगा और मेरी तो दुआ इस तरह के सभी रिश्ते इस तरह के होने चाहिए और अमन और भाईचारा का और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए ये बहुत बड़ा मैसेज है भाई अगर कोई समझे और मेरे ख्याल से सब त्योहारों में जो है ना ये बेहतरीन त्योहार इंडिया में यही है बिल्कुल हाँ उनकी नजर में भाई ये बहुत अच्छा त्यौहार है वो जो मनाते हैं इस तरह उनको दिवाली मनाई जाती है इस तरह ये भी त्यौहार उनका एक है औरतों का होता है जैसे हमारे मंदिर मानते अच्छी बात है बहुत अपने अपने त्यौहार होते हैं हर किसी का अपना मजहब है उसके अंदर हर किसी के अपने अपने तौर तरीके के त्यौहार होते हैं उससे अपनी खुशी मानते हैं तो जहाँ देख ले पाकिस्तान में ईद होती है ना इंडिया में ईद होती है तो वो इंडियन भाई ऐसे कितने भाइयों से हमारी बात होती है वो भी मिलते जुलते हमारी तकरीबन काफी भाइयों से ईद के दिन में बात हुआ करती थी वो बताते थे हमें कि वो भी हमारा आज वो अपने पाकिस्तान इंडिया के मुसलमान है वो हमारे अपने भाइयों के साथ ईद मनाते हैं या वो हलवा वगैरह जो होते हैं वो पका के भाइयों को देखते हैं वो उनको देखते हैं खुशियाँ बांटते हैं जब उनकी दिवाली होते हैं होती है त्यौहार तो दिवाली वगैरह वो भी उन पे हिस्सा लेते हैं ऐसी मोहब्बतों से ही तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगी और ये दूरियां जो है ना वो कम हो जाएंगी अल्लाह करे इस तरह का ही रिश्ता बने मैं तो कहता हूँ इस तरह का होना चाहिए जिस तरह के इस खत्ते में अब हालात हो चुके हैं इस एशिया के खत्ते में ऐसी मोहब्बत की जरूरत है ऐसे रिश्तों की जरूरत है जी दोस्तों ये थी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।